तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ दादी माँ के घरेलू नुस्खे जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। नंबर वन, चेहरे से पिंपल्स और किल मुहासे हटाने के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से चेहरे को धोएं। पत्तों को पीसकर एक लेप बना लीजिए और चेहरे पर लगाएं। नंबर टू, गुर्दे किडनी के रोगों से बचने और इलाज करने के लिए हर एक घंटे में पानी पीने की आदत डालिए। पानी पीने की किडनी में मौजूद विषैले पदार्थ पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलेंगे। नींबू पानी पीने से भी फायदा मिलता है और शरीर को विटामिन सी मिलता है। नंबर थ्री, अगर आप अपने अधिक खाने की आदतों से परेशान हैं और भूख कम करने के लिए यह नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च और हरी मिर्च का सेवन कीजिए। मिर्च से भूख कम लगता है और मोटापा कम करने में मदद मिलता है। नंबर फोर, यदि आपका वज़न अधिक है और अपने पेट की चर्बी और मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह योगा कीजिए। नंबर फाइव, कब्ज दूर करने के लिए दही में इसबगोल की भूसी मिलाकर खाएं। पत्ता गोभी का जूस और पालक का जूस कब्ज का इलाज के लिए असरदार होता है। नंबर सिक्स, किसी को बुखार हुआ है तो पहले बुखार के साथ आने वाले लक्षणों पर ध्यान दें। इससे ये पता चलेगा कि ये आम बुखार है या फिर मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या चिकनगुनिया की वजह से हुआ है। अगर आपको इसमें से किसी बीमारी के लक्षण दिखे तो एक बार किसी डॉक्टर से मिले और टेस्ट करवा लीजिए। बुखार किसी भी वजह से हो, गिलोय का काढ़ा पीने से आराम मिलता है। नंबर सेवन, यदि डेंगू के लक्षण दिखे तो इसके उपाय में भी गिलोय का सेवन अच्छा है। नंबर एट, खाना खाने के आधा घंटा पहले नमक के साथ अदरक का सेवन करने से भूख बढ़ता है। नंबर नाइन, बहुत से लोग अपने दुबले पतले शरीर से परेशान होते हैं और अपने दुबलेपन से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। शरीर का वजन कम हो या ज़्यादा, इसका प्रमुख कारण है खराब पाचन तंत्र। कुछ लोगों को पेट की बीमारियां जैसे कब्ज, गैस की वजह से भी ये परेशानी होता है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पेट की बीमारियों का उपचार कीजिए और अपनी पाचन क्रिया को ठीक कीजिए। नंबर टेन, जब छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं तब उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां भी होती है। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। एक बार में दो चम्मच रस ही दें और दिन में कम से कम तीन बार आप बच्चों को संतरे का रस पिलाएँ। नंबर 11, झड़ते बालों को रोकने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत असरदार है। दही से बालों को ज़रूरी पोषण मिलता है। बालों पर दही लगाने के आधे घंटे बाद धो लीजिए। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो हफ्ते में दो से तीन बार इस उपाय को करें। इससे बालों को मजबूती मिलेगी और बाल सुंदर दिखने लगेगा। नंबर 12, काली मिर्च, अजवाइन, नमक, लहौरी, जीरा, सौंठ, धनिया, मोटी इलायची, पुदीना, काला नमक और नौसेदार, ये सब 10-10 ग्राम मात्रा में लीजिए और 3 ग्राम लौंग लीजिए। इन सब को मिलाकर बारीक पीस कर चूर्ण बना लीजिए। अब रोज़ाना 3 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से पेट का दर्द और पेट की गैस का इलाज होता है। खाना ठीक से हजम करने में भी ये आयुर्वेदिक उपाय काफ़ी फायदेमंद है। नंबर 13, गंजापन से छुटकारा पाना मतलब नए बाल उगाना और पुराने बालों का गिरना रोकना। इसके लिए 5 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच काले चने का पाउडर मिलाकर सिर पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लीजिए। इस देसी नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार करें। नंबर 14,
घुटनों और जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए अश्वगंधा, शतावरी का चूर्ण और आम लकी को अच्छे से मिला लीजिए और रोज़ाना सुबह पानी के साथ लीजिए। इससे दर्द ठीक होगा और जोड़ों की मजबूती मिलेगी। अगर गठिया की शिकायत है तो इस उपाय से वो भी ठीक होता है। लहसुन के तेल में अजवाइन और हींग मिलाकर पका ले और जोड़ों की मालिश करें तो जोड़ों और घुटनों का दर्द दूर होता है। नंबर 15, दिल की बीमारियों का उपचार घरेलू नुस्खे से करने के लिए 20 ग्राम गाजर का रस और 40 ग्राम आंवले का रस मिलाकर पिए। इस उपाय से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 16, अगर किसी को आधे सिर दर्द माइग्रेन की बीमारी हो तो सिर के जिस हिस्से में दर्द ज़्यादा हो उस तरफ की नाक में गाय का शुद्ध देसी घी डालें। नंबर 17, लीवर की सूजन और कमजोरी दूर करने के लिए हर रोज़ सुबह शाम एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद और एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिए। लीवर को ताकत देने और गर्मी दूर करने का ये रामबाण उपाय है। ऐसे ही मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।